नया टॉपिक ले बाबा। हाँ, नया टॉपिक वही जो परिवार मूलक राज्य व्यवस्था, वहीं से चलिए। अभी हमने यहाँ तक आपको बताया कि वे आपके सामने आप सहमत हुए, परिवार में 10 व्यक्ति के बारे में बात हुई, उसमें आपने से कहा 10 ही व्यक्ति क्यों हो, 12 क्यों नहीं होगा, क्यों ना हो, क्यों उसमें हम नहीं बाबा, कहा। आपकी ये सोच देखने का प्रयास कर रहे थे कि ये ना उस संख्या के पीछे कुछ कोई आधार आपने रखा या फिर एक आधार इतने ही बाबा, आपको आश्चर्य भी नहीं किया, आधार इतने ही है, सभी प्रकार के संबंधों का संबोधन हो सके, निर्वाह हो सके, सात प्रकार से संबंधों को बताए हैं, सात प्रकार से संबंधों को बताए हैं, इन सातों प्रकार की संबंधों का संबोधन हो सके और उससे वो निर्वाह हो सके, इतना ही ये बनता है परिवार का मतलब, ठीक है ठीक बाबा। है ना। इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। वो संयोग से इसमें 10-10 की संख्या में सेट हो गए, 10-10 की संख्या में सेट होने से सभी चीज जो है ना, सभी जगह के लिए मनोनिर्वाचन के लिए बहुत अनुकूल हो गए। किस बात के लिए? बिना पैसे के निर्वाचन के लिए अपने आप से एक अनुकूलता आ गई, इस विधि से, ठीक है। बिना पैसे की जनप्रतिनिधि यदि मिलता है, आपको क्या तकलीफ है, हमको क्या तकलीफ है? तकलीफ की बात नहीं है बाबा, हमारी समझने जितने की भी बात वो है ना बाबा, वो चाहने के स्तर पे नहीं है, वो उसी बात को लेकर है। अरे भाई आज ऐसा है, वो ठीक है। है। अच्छा, दूसरा ये बात बताया, ये जो जिसके मूल में एक ही विधि है, जो परिवार परिवार में 10 ही व्यक्ति समझदार, 10 ही व्यक्तियों के बीच में आवश्यकता से अधिक, अब उनके 10 व्यक्ति के बीच में जो क्या आवश्यकता है सिद्ध हो ही सकता है। इसके लिए कोई लैब की जरूरत नहीं, न कंप्यूटर की जरूरत है, जरूरत नहीं। है। 10 व्यक्तियों का आवश्यकता आहार आवास और समाज गति में निर्वाह करने के लिए कितना चाहिए, क्या चाहिए, इसको इसको निर्णय कर सकते हैं ना। 10 समझदार व्यक्ति हो तो नहीं हाँ होता है, होता है। होता है ना, बस इतना ही बात, इतना ही बात है। हर जगह में वो उतना ही है। अब यही समझदार व्यक्ति 10वें से एक एक चल करके आगे समिति को गठित करेंगे। इस ढंग से ग्राम समिति के बारे में बात हुई, परिवार सभा गठित होने के बाद 5 समितियां गठित होगी, मनोनीत होगी, उसी गांव के लोगों को उस काम में लगाया जाए। और ये जो उत्पादन कार्य समिति होती है और विनिमय कोष समिति होती है, इन्हीं के पास पूरा का पूरा परिवहन रहेगा। ओके, परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। देखिए, ये सामान ले जाना, ये गांव में हो गया, दूसरे गांव की ग्राम सभा को ले जा करके देना, वहां से कुछ चीज ले आना विनिमय विधि से, ये प्रकरण बनेगी, ठीक होगी। गांव के सब लोगों का, गांव के पूरा का पूरा सब परिवार का दायित्व है, गांव के सीमा तक की सड़क का देखरेख करना, नहर का देखरेख करना, नदी नाला का देखरेख करना, ताल तलैया का देखरेख करना, इनके जिम्मेवारी की बात है। उसके बाद गांव की जमीन में कौन सा वनस्पतियां हो सकते हैं उसके बारे में सोचना, उसको साधना। हर गांव में ये गौशाला होना, बायोगैस प्लांट होना, ठीक है ना, बायोगैस से चलने वाली गाड़ियों को चलाने के लिए जितना गैस चाहिए उसको पैदा करना,
बाकी कुछ स्ट्रीटलाइट में प्रयोग करना। हर घर में वह सूर्य ऊर्जा से बत्ती जलाना। क्या स्ट्रीट लाइट चला लेना सूर्य ऊर्जा से, बायोगैस से घर का बत्ती जला लेना, ठीक हो गए। और हर गांव में एक बायो डीजल का प्लांट लगाना। ग्रामीण लोग अपने में बायो डीजल के लिए जो सीड्स होते हैं उसको कलेक्ट करना, ठीक है, वही तेल बनाना, वही तेल को डीजल में बदल देना। मस्त रहना, अपना गांव के ट्रैक्टर चला ले हो, गाड़ी घोड़ा चला ले, ये डिजाइन बनती कब बनता है? सौ परिवार जब समझदार होते, दस दस व्यक्ति का सौ परिवार, हजार व्यक्ति समझदार होते हैं तब वे एग्जीक्यूशन होता, नहीं तो नहीं होता। कैसा नहीं होगा? हर नासमझ व्यक्ति तोड़ताड़ विध्वंस करने में लगा हुआ है। ठीक है, समझदारी के पक्ष में बताया। अभी जो समझदारी है वो नासमझी में ही ज्यादा से ज्यादा विध्वंस करने वाले को पहुंचा हुआ व्यक्ति मानने में से है, विकसित विकसित मानने में से है। ज्यादा विध्वंस करने वाले को अपन विकसित मान रहे हैं, ठीक है, कम विध्वंस करने वालों को थोड़ा सा विकासशील मानते हैं, विध्वंस कर नहीं पाते हैं उनको अविकसित कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। वैल्यूएशन का पैरामीटर बाबा, जिस पैरामीटर पे हम इवैल्यूएट कर रहे हैं उसको, जिन आधारों पे इवैल्यूएट कर रहे हैं उसी में तो गड़बड़ है ना। वो आधार शिफ्ट हो गया तो जिस प्रकार से वो इवैल्यूएट होंगे वो भी तो बदल गया। जिस प्रकार से इवैल्यूएट कर रहे हैं उनको, या वही हाँ आधार अभी जो विध्वंस संघर्ष ही आधार है। संघर्ष में जैसा ज्यादा संघर्ष कर सकता है वो उसको विकसित माने हैं, संघर्ष कम कर सकता है विकास क्रम में मानते हैं। हाँ, नहीं संघर्ष में लगता है उसको अविकसित करते हैं।